Hello students, good evening to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, how is your preparation going on? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी. और मैं पूरी तरह श्योर हूं कि मेरे वीडियोस आपकी मदद कर रहे होंगे और आप उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे. स्टूडेंट्स, नरेशन का फर्स्ट पार्ट जनरल रूल्स का ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है और आपने उसे पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा. और अभी तक अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो सर्टेनली स्पेशल रूल पढ़ने से पहले आप एक बार जनरल रूल जरूर पढ़ लें, क्योंकि जनरल रूल के बिना आप सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज माई क्वर्ड सजेशन टू गो थ्रू द जनरल रूल्स फर्स्ट एंड देन आफ्टर यू शुड मूव टू स्पेशल रूल्स. जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि जनरल रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन ऑल सेंटेंसेस, इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बट दीज स्पेशल रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन स्पेशल रूल्स. स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंसेस आर ऑफ फाइव काइंड्स. देर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड दोज फाइव काइंड्स आर गिवन हियर. Assertive sentence, जिसको हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं. Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं. Imperative sentences, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. इसके माध्यम से हम आदेश देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, कोई प्रपोजल देते हैं, कोई सलाह देते हैं. Optative sentences, जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, अपने विशेष देते हैं. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, के माध्यम से हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, ईर्ष्या व्यक्त करते हैं, जितने हमारे मनोभाव होते हैं वो सारे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं. ये एक संक्षिप्त परिचय हुआ ये फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का. इनका पूरा डिटेल मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा. अभी आप इतना जानिए कि सेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार सेंटेंसेस फाइव काइंड्स के होते हैं और इन फाइव टाइप्स के सेंटेंसेस को अलग अलग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए स्पेशल रूल्स की स्थापना, स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं. सो दीज स्पेशल रूल्स आर स्पेशल टू बी यूटिलाइज्ड ओनली टू चेंज दीज स्पेशल फाइव सेंटेंसेस सेपरेटली. सो अलग अलग इन सेंटेंसेस को आपको समझना होगा और उसमें आपको सीखना होगा कि क्या अंतर होता है. बात पहले हम assertive sentence की करते हैं. Assertive sentences का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में सिर्फ आंसरिंग में करते हैं. अगर हमसे कोई कुछ पूछा तो हम उसका उत्तर जो देंगे वो assertive sentence होगा. वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी होगा वो assertive sentence होगा. Assertive sentences क्या है ये हमने आपको बता दिया. अब नरेशन की बात करते हैं. नरेशन में जनरल रूल्स में हमने आपको थ्री स्टेप्स बताए थे, थ्री पॉइंट्स बताए थे जहां आपको चेंजेस करने. वो पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है. दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसके जगह एक दूसरा कंजंक्शन यूज करना. और तीसरी चीज रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है. इन तीनों जगहों में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा ये हम स्पेशल सेंटेंस के अनुसार बताएंगे. इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हम रिप्लेस करेंगे ये भी हम स्पेशल सेंटेंसेस के अनुसार बताएंगे. लेकिन ये तीसरा पॉइंट जो है रिपोर्टेड स्पीच का, तो दिस इज वेरी कॉमन. ये कॉमन है सभी सेंटेंसेस में. जनरल रूल्स का इस्तेमाल करके हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं. यहां तक आप बात समझ लिए होंगे. अब बात करते हैं पर्टिकुलरली स्पेशल सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंस की. एक एक सेंटेंस को हम लोग बाय सीक्वेंस वी विल गो थ्रू. इनके रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, इनके इन्वर्टेड कॉमा के बारे में जानेंगे, इनके रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित दो एटलीस्ट एग्जांपल्स भी करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की. असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में बदल देते हैं. प्रेजेंट में है तो टेल, पास्ट में है तो टोल्ड. इन्वर्टेड कॉमा को
हटा देते हैं और उसकी जगह पे दैट लिखते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को अकॉर्डिंग टू जनरल रूल हम लोग चेंज कर देते हैं. जनरल रूल आपको याद होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. आइए एग्जांपल देखते हैं. दे सेड टू मी वी आर वेटिंग फॉर यू. ये दे सेड टू मी वी आर वेटिंग फॉर यू, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम चेंज करेंगे. दे सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा है. ये जो हमने रेड मार्क किया है, यही तीन जगह आपको चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, दे टोल्ड मी, इस सेड को हमने टोल्ड में बदला. दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया, दैट लिखा, और रिपोर्टेड स्पीच को अकॉर्डिंग टू जनरल रूल हम चेंज करेंगे. यहां है वी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर चेंज होगा, इसलिए यहां हमने दे लिख दिया, वी चेंज होके दे हो गया. और अब टेंस चेंज करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो करेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा चेंज ऑफ टेंस के अनुसार, इसलिए ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा. तो हम बोलेंगे दे वर वेटिंग फॉर मी. यहां यू सेकेंड पर्सन है और पर्सन चेंज हम करेंगे, यू सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहां ऑब्जेक्ट मी है तो यहां पे मी हो जाएगा. फाइनली दे टोल्ड मी दैट दे वर वेटिंग फॉर मी. दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इंटरोगेटिव पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब होता है टू इंटरोगेट, टू आस्क, टू इंक्वायर, कोई क्वेरी रखना, कोई जानकारी मांगना, कुछ पूछना. जब हमें पूछना होता है तो हम दो तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. एक पूछते हैं आर यू ओके, आप बोलोगे यस आई एम ओके. आर यू अ गुड स्टूडेंट, आप बोलोगे यस आई एम अ गुड स्टूडेंट. आर यू गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, यस आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली. ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर हम हां ना में दे सकते हैं. अलग मैं कुछ अलग दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, यस और नो, आप नहीं बोल सकते. हु इज योर फ्रेंड, आप नहीं बोल सकते यस और नो. प्रश्न ऐसे जिनका उत्तर हां में दिया जा सके और प्रश्न वैसे जिनका उत्तर हां में नहीं दिया जा सके. जिन प्रश्नों का उत्तर हां में नहीं दिया जा सकता वो प्रश्न डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, और उन दोनों में ये थोड़ा सा डिफर करता है. तो थोड़ा सा आपको सिंसियर रहना पड़ेगा जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. नाउ यू शुड सी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क में बदल देते हैं, आस्क या आस्क्ड में. प्रेजेंट का है तो आस्क, पास्ट का है तो आस्क्ड. इसके बाद इंक्वायर्ड भी कभी कभी हम लोग लिख देते हैं. इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जब हम चेंज करते हैं तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. कब, जब प्रश्न यस और नो में उत्तर दिया जा सके. ध्यान रहे, जब क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तब इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसकी जगह पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. और अगर उसका अगर उस वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है अर्थात उस प्रश्न का उत्तर आप यस नो में नहीं दे सकते तो उस परिस्थिति में हम उस डब्ल्यू एच वर्ड्स को ही कंजंक्शन बनाते हैं, अलग से किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल हम वहां नहीं करते हैं. अब रिपोर्टेड स्पीच में भी एक खास बात है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. अकॉर्डिंग टू जनरल रूल चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होगा ही होगा. एक दूसरा परिवर्तन खास जो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है और जब कंजंक्शन लगा देते हैं तो उसके बाद जब हम लिखते हैं उस सेंटेंस को तो इंटरोगेटिव नहीं लिखते हैं, उसको हम एसर्टिव बना देते हैं. तो ये दो चीजें आपको इंटरोगेटिव में बहुत खास तौर से देखनी होगी कि जब प्रश्न का उत्तर हां ना में देने वाला हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड हो उसमें तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना लेते हैं,
और सेंटेंस जनरल रूल में, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो, और जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस कंजंक्शन के बाद उसे हम एसर्टिव में बदल देते हैं, वो इंटरोगेटिव नहीं रहता। अमूमन स्टूडेंट से यही गलती होती है और आपके एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के एरर्स बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए? ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा है। इन्हीं तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सेड को हमने आस्क में बदला, ही आस्क मी इफ या वेदर का इस्तेमाल किया, कारण डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए, इस प्रश्न का उत्तर हां ना में आप दे सकते हैं, इसलिए हमने यहां इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इफ या वेदर। इसके बाद जो सेंटेंस हमने लिखा वो assertive सेंटेंस लिखा, इंटरोगेटिव नहीं लिखा, और चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार इस सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं। यहां सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट यहां आई होगा, और यहां डिड यू नॉट गो टू स्कूल ये पास्ट इनडेफिनिट है माय डियर फ्रेंड्स, और अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस हमें पास्ट इनडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, चेंज ऑफ टेंस याद होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जनरल रूल नहीं याद होगा तो आप यहां कर नहीं पाएंगे, यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो जस्ट गो टू रिवाइज योर जनरल रूल्स स्पेशली वेरी केयरफुली। सो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यह सेंटेंस एसर्टिव है और इसके पहले इफ और वेदर इसलिए लगा है कि यह प्रश्न का उत्तर हाना में दिया जा सकता है। चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार यू यहां आई बन गया और चेंज ऑफ टेंस के अनुसार ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर्स नो ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल दिया है। और इस एग्जाम्पल पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जनरल रूल के समय हमने ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो उसको हम लोग एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करते हैं। देखिए, आई सेड वेयर आर यू गोइंग, यू इज हियर, यू इज सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। सबसे पहले इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज किया, आई आस्क लिखा, इसके बाद यहां ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि यहां यू है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन एज ए थर्ड पर्सन यूज होगा तो यहां आप हिम या हर आप लिख सकते हैं, हिम या हर। आई आस्क्ड हिम वेयर, इस वेयर को हमने एज अ कंजंक्शन यूज किया और इसके बाद ही वॉज गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, एरर में देता है, आप ये कॉम्पिटिशन में दे देगा। आई आस्क्ड हिम वेयर वॉज ही गोइंग, आपको अलर्ट रहना होगा कि अगर वेयर दिया है इनडायरेक्ट है तो वेयर वॉज ही गोइंग नहीं होगा, वेयर ही वॉज गोइंग होगा। आगे बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव समझ में आ गया, आइए इंटरोगेटिव के बाद हम लोग इंपेरेटिव पे आते हैं, और इंपेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य का मतलब होता है टू पुट आवर सजेशंस, टू फॉरवर्ड आवर ऑर्डर्स, किसी को आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, आदेशात्मक का मतलब ही होता है आदेश देना, सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप निवेदन भी अपना रख सकते हैं। तो आदेशात्मक वाक्य में रिक्वेस्ट भी हम लोग करते हैं।
इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्क को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्क को रिक्वेस्ट लिखते हैं, सजेशन लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, प्रपोज लिखते हैं, जिस तरह का सेंस रहता है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अनुसार हम लोग रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, प्रपोज, इसमें से कोई भी एक वर्ड जो एप्रोप्रिएट होता है उसको हम लिख लेते हैं। और इनवर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो उसमें हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर उसमें लेट का इस्तेमाल हुआ है तब टू नहीं लिखते, तब हम लोग दैट लिखते हैं। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ रहा है तो उस लेट के लिए आपको टू नहीं लिखना होगा, दैट लिखना होगा। दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सामान्य इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं तो टू लिखते हैं, और जब लेट रहता है तो दैट लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच बहुत छोटा होता है, इसका सिर्फ आदेश होता है इसमें, गो देयर, कम हियर, रीड योर लेसंस, केयर योर सेल्फ, फाइंड योर वे, आई डोंट मेक नॉइज एंड लेट अस गो। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस की संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम जनरल रूल का इस्तेमाल करते हैं, नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं। आइए एग्जांपल देखते हैं। यू सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है ये, मी ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच है वर्क हार्ड। यू सेड टू मी वर्क हार्ड, ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक सजेशन है। You suggested me to work hard, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जनरल रूल की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सीधे सीधे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू कर दिया, एंड यू रिपोर्टिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड में, यू सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, दे सेड टू यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, और यहां डोंट शाउट एक इंस्ट्रक्शन है, मना किया जा रहा, डोंट शाउट। तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, जहां कोई चीज मना की जाती है वहां हम एक स्पेशल चीज लगाते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, लेकिन जब फॉरबिड लगा देते हैं तो आगे का सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। ये भी एक कॉमन एरर है, ये भी एरर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप ध्यान देंगे, दे फॉरबिड यू टू नॉट शाउट दे देगा, और कहेगा कि आप इसमें एरर ढूंढिए। आप तो कहेंगे कि तो सही बात लग रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन सही नहीं है। क्या सही नहीं है? क्योंकि यहां फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, और आगे नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे दे फॉरबिड यू टू शाउट, उन्होंने शोर करने से मना किया। इस सेंटेंस का एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, अगर फॉरबिड का इस्तेमाल आप नहीं करते तो दे सजेस्टेड यू नॉट टू शाउट। अगर सजेस्टेड का इस्तेमाल किया आपने तो नॉट टू शाउट लिख सकते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल इसमें है लेट वाला, शी सेड टू मी, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां इन्वर्टेड कॉमा है, और यहां लेट का इस्तेमाल हुआ है, स्पेशल सेंटेंस है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। शी प्रपोज्ड मी, ये एक आवाहन है, एक तरह से बुलावा है, तो हम बोलते हैं शी प्रपोज्ड मी दैट, चूंकि लेट है, शी प्रपोज्ड मी दैट। अब यहां होगा शी शुड गो फॉर ए वॉक। एक चीज ध्यान रखते हैं, जो इसका सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट से हम लोग दैट के बाद वाला सेंटेंस लिखते हैं। उन्होंने, उसने हमें प्रपोज किया, उसने हमें सलाह दिया, उसने हमसे कहा कि चलो टहलते हैं। तो शी प्रपोज मी दैट शी शुड गो फॉर ए वॉक, इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस खत्म हुए। और अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, और हमारी इच्छाएं, हमारे विशेष, इसके माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं
तो रिपोर्टिंग वर्ब हटा के विश या ब्लेस का इस्तेमाल करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स हम लोग चेंज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. ये मे यू लिव लॉन्ग जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है. ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा है. बस यही तीन चीजें हमको चेंज करनी है. तो हम क्या करते हैं, राम ब्लेस्ड, रिपोर्टेड स्पीच बता रहा है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो हम बोलेंगे राम ब्लेस्ड मी दैट आई. यू जो है सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहां आई हो गया और मे का माइट हो जाता है लिव लॉन्ग. आई माइट लिव लॉन्ग. दे ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग. ये आसान है. आइए तीसरा नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. दैट वन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कुछ खास हैं, स्पेशल, क्योंकि हमारी जो भी सडन फीलिंग होती है, हमारे जो मनोभाव होते हैं, हमारे जो फील होते हैं, हमारा जो एहसास होता है, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो आश्चर्य का हो, चाहे वो उदासी का हो, चाहे वो पश्चाताप का हो, तो ये सारे मनोभाव हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं. और जब किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उस परिस्थिति में हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, इस तरह से एक्सक्लेम्ड विद के बाद जो हमारे भाव होते हैं उन भावों को हम लिखते हैं. इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते हैं और जनरल रूल के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग चेंज कर देते हैं. ही सेड, उसने कहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया. ही सेड हाउ स्वीट शी सिंग्स. सेंटेंस है हाउ स्वीट सी सिंग्स, हाउ स्वीट शी सिंग्स. अब ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं. ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अरे भाई बहुत अच्छा गाना गाती है, ये खुशी से ही कोई कहेगा, तो हम बोलेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखते हैं. इसके बाद शी सिंग्स वेरी स्वीट. इस सेंटेंस को अब हम एक्सक्लेमेटरी नहीं रहने देते, उस सेंटेंस को हम एसर्टिव में बदल देते हैं, उसको हम एसर्टिव में बदल देते हैं. शी सिंग्स वेरी वेल. इसमें कहा गया है हाउ स्वीट शी सिंग्स, पूछा नहीं जा रहा, उद्गार व्यक्त किया जा रहा, तो उसको हम लोग यहां एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और लिखते हैं दैट शी सिंग्स वेरी स्वीट. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. यू सेड, तुमने कहा, क्या कहा, वॉट अ मॉर्निंग इट इज, वट अ मॉर्निंग इट इज, मतलब इट इज अ कूल मॉर्निंग, इट इज अ नाइस मॉर्निंग, इट इज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, इट इज अ वेरी स्प्लेंडिड मॉर्निंग, ऐसा कोई भी भाव हो सकता है. मॉर्निंग की खूबसूरती की बात की जा रही है, मॉर्निंग के नाइस होने की बात की जा रही है. तो यू सेड, तुमने कहा, क्या कहा, वट अ मॉर्निंग इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो हम बोलेंगे यू एक्सक्लेम्ड That you exclaimed with surprise, बोल सकते हैं, you exclaimed with surprise that it was a nice morning, it was a nice morning. Through these examples I have tried my level best to clarify these five types of sentences. कैसे reporting verb change करना है, कैसे inverted comma change करना है, और कैसे रिपोर्टेड स्पीच को हमें जनरल रूल के अनुसार बदलना है. ये छोटा सा चार्ट जो हमने आपके सामने रखा है, थ्रू दिस चार्ट यू कैन रिवाइज द कंप्लीट स्पेशल रूल, द ऑल स्पेशल रूल्स विद ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वेरी वेल. सो दिस इज माय शियर सजेशन टू यू दैट जस्ट यू गो टू डेवलप द सच टाइप ऑफ चार्ट. इसी चार्ट को आप अपनी कॉपी पर डेवलप कर लीजिए
और एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, पांच बार, उसे जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सेंटेंस के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाना है, इन्वर्टेड कमा क्या लगाना है, और यहां पर्टिकुलरली सेंटेंसेस में हमें किस तरह के परिवर्तन करने हैं, तब तक आप उसे देखते रहिए। आई एम क्वाइट श्योर दिस चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये अभी मैं जनरल इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपको। जनरल इंग्लिश पढ़ाते समय सेंटेंसेस कम दिए जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं दिए जा सकते, बोर्ड भी छोटा है, समय की भी पाबंदी है कि बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर बड़े वीडियोस मत बनाइएगा, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, 20 मिनट 25 मिनट बहुत है, तो 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा न जाए इस बात की भी कोशिश रहती है। तो एग्जाम्पल्स अभी कम दे रहे हैं, बट डोंट वरी, ये जनरल इंग्लिश जैसे ही हमारा खत्म होगा, चैप्टर वाइज जो जो जनरल इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज फॉर यू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, आई विल स्टार्ट अ प्रैक्टिस सेशन एंड एक्सरसाइज सेशन वेरी वेल। एक एक टॉपिक पर मैं तीन तीन वीडियोस एक्सरसाइज का दूंगा, एंड यू पीपल विल बी क्वाइट एबल टू एक्सेस दिस ऑल टॉपिक्स वेरी वेल, एंड इंग्लिश विल नेवर बी अ प्रॉब्लम विद यू। इंग्लिश आपकी कभी समस्या नहीं होगी, इट्स माई प्रॉमिस। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।